हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गुडविल के बारे में गुडविल क्या होता है गुडविल को हम कैसे वैल्यूएट करते हैं ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गुडविल का मतलब है गुडविल इज़ द रेपोटेशन ऑफ द बिज़नेस कहते जो हमारी गुडविल होती है वो एक बिजनेस की मान मर्यादा होती है गुडविल इज एन इनटेंजिबल एसेट ऑफ द बिजनेस कहते हैं जो मैंने गुडविल है ना वो बिजनेस का इनटेंजिबल एसेट है इट काट बी सीन एंड टच्ड इसको हम देख नहीं सकते इसको हम छू नहीं सकते इसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं गुडविल इज़ सीमेंटेड विद बिजनेस। कहते हैं जो हमारी गुडविल होती है वो बिज़नेस के साथ अटैच होती है अनलाइक बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फ़र्नीचर इट कांट बी सोल्ड सेपरेटली फ्रॉम बिजनेस कहते जैसे हम बिल्डिंग को प्लांट को मशीनरी को और फर्नीचर को सेपरेटली सोल्ड कर सकते हैं हम गुडविल को सोल्ड नहीं कर सकते वो हमारे बिजनेस के साथ पूरी तरह से अटैच होती है अब हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ़ गुडविल अब गुडविल कितने टाइप्स की होती है तो हमारी फर्स्ट टाइप है डॉग गुडविल अब डॉग गुडविल होता क्या है चलो हम वो जानते हैं द फेथफुल डॉग इज़ अटैच टू द पर्सन रादर देन टू प्लेस कहते जैसे एक डॉग है वो अपने ऑनर के साथ फेथफुल होता है उसको प्लेस के साथ कोई मतलब नहीं होता ही विल फॉलो द आउट गोइंग ऑनर इफ़ ही डज नॉट गो टू फॉर इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ पर्सनल गुडविल कहते हैं जो हमारी डॉग गुडविल होती है वो एक पर्सनल गुडविल होती है और ये गुडविल हम मोस्टली किस केसेस में देखते हैं हम प्रोफेशनल केसेस में देखते हैं अब प्रोफेशनल केसेस कौन कौन से होते हैं हमारे जैसे हमारे डॉक्टर्स हो गए लॉयर्स हो गए प्रोफेसर्स हो गए तो ये गुडविल हम दो गुडविल मोस्टली प्रोफेशनल्स के केस में देखते हैं अब बारी आती है हमारे पास सेकेंड गुडविल जो हमारी है कैट गुडविल अब कैट गुडविल क्या होता है द कैट प्रफ़र्स द ओल्ड होम ऑफ द पर्सन हु कीप्स इट अवे एंड स्टे इन द ओल्ड होम although the person who has kept the home leaves and so it represent the person who goes to the old shop who ever keeps it ab cat kya hoti hai cat ko ek jagah specific jagah se pyar hota hai वैसे ही हमारे कई customers ऐसे होते हैं जिनको owner के साथ कोई मतलब नहीं होता उनको कोई प्रोडक्ट परचेज़ करना हो तो वो एक स्पेसिफिक जगह से ही परचेज़ करना चाहते हैं तो जब ऐसी कोई एक्टिविटी अक्कर होती है तो जो गुडविल रेज होती है तो उस गुडविल को हम क्या बोलते हैं कैट गुडविल अब थर्ड गुडविल कौन सी है हमारे पास रैट गुडविल अब रैट गुडविल क्या होता है द रैट हैज़ नो अटैचमेंट आइदर विद द ऑनर ऑफ़ द हाउस और विद द प्लेस कहते जैसे चूहा है अब चूहे को ना ऑनर के साथ घर के ऑनर के साथ कोई मतलब है और ना ही उसको जगह के साथ कोई मतलब है रैट इज़ इंटरेस्टेड ओनली इन फीलिंग इट स्टमक उसको तो अपना सिर्फ पेट भरने से मतलब है चाहे वो चीज़ कहीं से भी आ रही हो सो सर्टेन कस्टमर्स हु आर नाइदर अटैच टू एनी ऑनर ऑफ़ द बिजनेस नॉट टू एनी शॉप तो कहते हैं कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको ना कोई ऑनर के साथ कोई मतलब होता है और ना ही उनको कोई स्पेसिफिक शॉप के साथ मतलब होता है सच टाइप ऑफ़ गुडविल हैज़ ए स्मॉल वैल्यू और नो वैल्यू कहते जो हमारी ऐसी गुडविल होती है उसकी या तो वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी या तो उनकी वैल्यू कोई भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होगी अब फोर्थ जो हमारी गुडविल है वो है रैबिट गुडविल अब रैबिट का मतलब क्या है रैबिट हैज़ द हैबिट ऑफ लिविंग क्लोज आर्ट इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग टू फार अब रैबिट को हर चीज़ अपने पास चाहिए और वह दूर जाने से डरता है तो कहते हैं कई कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको सारी चीज़ अपने घर के पास चाहिए हो और सारे प्रोडक्ट्स अपने आस पास ही एरिया में उनको अवेलेबल होने चाहिए देर आर कस्टमर्स हु नाइदर अट्रैक्ट वैल्यू टू दिनर नॉट शॉप बट टू द नियरनेस ऑफ द शॉप सच टाइप ऑफ द गुडविल हैज लो मार्केट वैल्यू तो कहते हैं जो ऐसी गुडविल क्रिएट होती है उसकी मार्केट में वैल्यू बहुत ज्यादा लो होती है तो दोस्तों अब हमारी बारी आती है मैथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से हमारे पास मैथड्स हैं तो हमारे पास तीन मैथड्स हैं फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मैथड सेकेंड सुपर प्रॉफिट मैथड एंड दर्ड इज कैपिटलाइजेशन मैथड तो एवरेज प्रॉफिट मैथड में हमारे पास दो मैथड्स आते हैं फर्स्ट सिंपल एवरेज मैथड एंड सेकेंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मैथड और कैपिटलाइजेशन में भी हमारे पास दो मैथड्स आते हैं एक आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट्स और दूसरा आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स तो अब हम बात करते हैं पहले एवरेज प्रॉफिट मैथड्स के बारे में जिसमें हमारा फर्स्ट मैथडे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मैथड अगर हमने गुडविल कैलकुलेट कर लिया इस मैथड के थ्रू तो उसका फॉर्मूला क्या होगा तो गुडविल का फॉर्मूला होगा गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेजेज अब बात आती है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स तो इसको समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं अब ये देखो एग्ज़ाम्पल क्या लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ थ्री ईयर्स परचेज ऑफ द लास्ट फाइव ईयर एवरेज प्रॉफिट्स तो प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट फाइव ईयरस आर 2015 10,000, 2016 15,000, 2017 30,000, 2018 25,000, 2019 20,000। So सो अब हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे अब पहले हमने क्या निकालना है क्या फॉर्मूला है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट तो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने से पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल प्रॉफिट्स तो अब तो टोटल प्रॉफिट कैसे करेंगे हम पांचों सालों के प्रॉफिट्स को ऐड कर देंगे अब देखिए पांचों साल के प्रॉफिट्स कितने टेन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड थर्टी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एंड ट्वेंटी थाउजेंड तो इन पांचों सालों के प्रॉफिट्स को हमने ऐड किया तो हमारे टोटल प्रॉफिट्स कितने आ गए वन लाख और हमने अब क्या निकाला है एवरेज प्रॉफिट्स तो एवरेज प्रॉफिट्स को निकालने का फॉर्मूला क्या था टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स अब नंबर ऑफ ईयर्स कितने हमारे पास यहाँ पे फाइव तो टोटल प्रॉफिट वन लाख डिवाइडेड बाई फाइव तो हमारे एवरेज प्रॉफिट्स कितने आ गए 20,000. अब हमने निकालनी है गुडविल की वैल्यूएशन करनी है तो गुडविल के वैल्यू करने का क्या फॉर्मूला था एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज अब एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट्स कितने हमारे पास ट्वेंटी थाउजेंड और नंबर ऑफ़ ईयर्स परचेज कितने हमारे पास थ्री तो टोटल हमारे पास गुडविल कितनी आ गई सिक्सटी थाउजेंड की तो इसके थ्रू हमें पता चला कि अगर हमने गुडविल कैलकुलेट करना है तो हमारी गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे